हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और काफी दिन से हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स से भी बातें करें तो हम बात करें देखिए टेक्सटाइल के बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट में लिस्ट है पहली बात तो हम एक एक करके उनका रिव्यू करेंगे सारे का रिव्यू नहीं कर पाएंगे बट आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं तो उसे आप अपनी तरफ से भी जाके देखिएगा चेकआउट करिएगा बट उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका रिव्यू हम डेफिनेटली करेंगे पांच से सात कंपनी का तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चाइना इन्वेस्ट फॉर ऐप को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज़ वेल एज इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कर लीजिए और एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चार्ट ऑफ तो द डे पैसा यहाँ पर डबल हो सकता है 323 रुपए का स्टॉक है और टारगेट 400 रुपए का यहाँ पर बन के आ रहा है प्लेलिस्ट है सीखने के लिए यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दे है बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर आपको कोई पोजिशन लेनी है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके देखते हैं देखिए अगर हम देखें टेक्सटाइल के स्टॉक्स टेक्सटाइल के स्टॉक्स अगर हम देखें पेज, पेज इंडस्ट्री के पी आर मिल वेल्स इंडिया तो यहाँ पर इतने मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट में लिस्ट है जो कि यहाँ पर टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं यहाँ पर हर एक को रिव्यू करना एट द सेम टाइम एक दिन के अंदर अंदर और एक ही वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है यू नो वेरी वेल ओके एंड यू कैन अंडरस्टैंड बट अगर बात करें यहाँ पर uh, कुछ स्टॉक्स की जो कि यहां पर अगर बात करें किसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटल क्योंकि मार्केट कैपिटल बताती है कि कंपनी कितनी अच्छी होगी डजेंट मैटर कि स्मॉल कैप कंपनी ने हजार रुपए हजार सौ uh, परसेंट के रिटर्न दिए और बड़ी कंपनी ने केवल आपको पचास परसेंट के रिटर्न दिए ये मैटर नहीं करता मैटर करता है uh, 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 क्या कहते हैं रिवार्ड के साथ साथ रिस्क भी कि ये इसमें आपका पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा कि नहीं बट स्मॉल कैप में यहाँ पर रिस्क बढ़ जाती है और लार्ज कैप में रिस्क कम हो जाती है और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस तो हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करते

मार्केट कैप आपको पता ही है लार्ज कैप कंपनी है और हम अगर देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स जल्दी जल्दी चार पांच कंपनी के नंबर देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे हैं यहाँ पर अगर बात करें जून 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 में एज वेल एज यहाँ पर मार्च में इनकी कम होती हुई दिखाई दी थी सेल्स जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक आपको पता ही है फिर यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक क्योंकि मार्च में दोबारा यहाँ पर सेकेंड वेव आती हुई दिखाई दी थी बट अगर बात करें कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ओके ईयरली बेसिस पर देखें तो तीन सौ का सॉरी शेयर्स आज के डेट में लगभग उनतीस सौ रुपए की सेल्स में तब्दील हो गई है और 40 करोड़ का प्रॉफिट तीन करोड़ के प्रॉफिट में तो ये सारी चीजें बताती है और बाकी बोरिंग की बात करें ना के बराबर बोरेंगे तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी कितनी दिग्गज हो सकती है तो आइए यहां पर अगर हम देखते हैं पेज इंडस्ट्री पेज इंडस्ट्री आपको पता ही है एग्जैक्टली करती क्या है यहाँ पर आपके जॉक जौ, जॉकी के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है अगर आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो डेफिनेटली वी वी विल विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल और टेक्निकल के बेसिस पे दोबारा हम uh, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर इस बार के रिजल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर पेंडिंग है यहाँ पर क्वार्टर क्यू वन के रिजल्ट तो एक बार क्यू वन के रिजल्ट आने दीजिए देख लीजिए किस तरीके के uh, रिजल्ट आएंगे रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कौन सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अभी यहाँ पर सपोर्ट लिया था इससे पहले यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था एक बार यहाँ पर एक बार यहां पर और ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक सॉरी uh, hmm, एक मिनट hmm. तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं मिनट सॉरी यहाँ पर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ओके नॉट नॉट एन इशू तो हम देखते थे कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक कप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से नीचे से आते हुए इसका हैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहा है और हमेशा हम डिस्कस करते हैं जब इस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हैं जब ये कप विद हैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर इसके जो टारगेट होते हैं इसके टारगेट भी उसी तरीके से अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं और अगर हम देखें इसके टारगेट कितने नजर आ रहे हैं तो इसके टारगेट ये नजर आ रहे हैं जो कि आपके सामने है तो कितना टारगेट नजर आ रहे हैं तो इसके टारगेट नजर आ रहे हैं ये अट्ठाईस बत्तीस हजार रुपए का स्टॉक पचास हजार रुपए तक जाने की पूरी हिम्मत रखता है अगर ऑन द यहां पर अच्छे खासे यहाँ पर इसने रिजल्ट दे दिया इसके अलावा दूसरी कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं केपीआर मिल केपीआर मिल यहाँ पर दू, दूसरा यहाँ पर एक टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है आपको पता ही है अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप तेरह करोड़ रुपए की मिड कैप कंपनी है 26 परसेंट की डेट है और डेटा और बात करें यहाँ पर पी 21 के पी पे आर 25 परसेंट की यहाँ पर आर है इसके भी रिजल्ट देखते हैं तो रिज़ल्ट इसके काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम थी इस क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम थी बाकी अगर बात करें कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है यहाँ पर यहाँ पर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की वो भी हाइस्ट एवर यहाँ पर आनी शुरू हो गई है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आठ करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर अड़तीस सौ तिरानवे करोड़ की यहाँ पर सेल्स में तब्दील हो गई कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है तो ये सारी चीज आपको देखनी होगी और यहाँ पर ये कंपनी भी काफी अच्छी नजर आ रही है बट अगर हम इसके बात करती है चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इसने पेंडेमिक के बाद आपको रिटर्न देते हुए नजर आया है अगर हम देखते हैं तीन सौ का शेयर यहाँ पर उन, 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 उन्नीस सौ रुपए के शेयर पर यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर जब भी फिफ्टी डीएमए पे आता है यहाँ पर भागना शुरू कर देता है इसके रिजल्ट आने और इसके रिजल्ट देख लीजिएगा बाकी यहाँ पर जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास ये शेयर मिले तो आप यहाँ पर इसे चूज कर सकते हैं इसका कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है बस ये हाईएस्ट लेवल पर हमेशा भागता हुआ जो दिखाई दे रहा है तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा बाकी टॉप पर बैठा हुआ है इस चीट को भी आपको देखना होगा वेल्सपन इंडिया की बात कर लेते हैं तो वेल्सपन इंडिया से रिलेटेड शायद मैंने कुछ टाइम पहले देखा था स्टॉक यहाँ पर देख लेते हैं डेट की बात करें सेवेंटी सेवन परसेंट का डेट है फोर्टीन परसेंट की आर है एक सौ तो छत्तीस के आसपास यहाँ पर शेयर चल रहा है इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं ये कंपनी पहले ज्यादा इसके अच्छे खासे रेवेन्यू थे फिर इसके बाद थोड़े से यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए फिर भागता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी के भी यहाँ पर रेवेन्यू है जो सेल्स है वो हाईस्ट एवर है अच्छी बात है नेट प्रॉफिट वो भी हाइएस्ट एवर है और यहाँ पर बात करें सेल्स तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा है कंपनी भागती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर भी ये भी कंपनी अच्छी खासी नजर आ रही है और यहाँ पर हाईस्ट एवर रेवेन्यू आना हो हो गया करोड़ करोड़ के एक करोड़ के के प्रॉफिट प्रॉफिट में साल अंदर अंदर चेंज हो गया। तो ये ये सारी चीजें बता रही है 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 कंपनी भी भी काफी अच्छी है। बाकी भी पर है थोड़ा सा वर्किंग प्रोग्रेस में भी यहां पर पैसे लगे हुए हैं और इनकी बुक में भी पैसे नजर आ रहे हैं एफ अच्छे खासे है अगर हम चार्ट पैटर्न की पर बात कर रहे हैं भी इसी तरीके से जब भी फिफ्टी डी पे आ रहा है यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है ऑलरेडी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बट अगर हम यहाँ पर देखें चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ पर आप यहाँ पर से अगर हम देखते हैं तो पर पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आया था पहले तो यहाँ पर इसी चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये शेयर और अच्छा खासा भाग सकता है यहाँ पर भी एक देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर कब बनाया कब बनाने के बाद यहाँ हैंडल बनाया और इसके बेसिस पे जो इसके टारगेट नजर आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं सीधे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके बेसिस पे इसके टारगेट तो यहाँ पर इसके टारगेट ये नजर आ रहे हैं 180 से एक सौ रुपए के आसपास तो यहां तक जा सकते हैं बट अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा ये शेयर आपको मिलता है तब तो यहाँ पर खरीदने की कोशिश करिएगा इसके अलावा बात करें एक और कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज की तो यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ, करंट प्राइस अच्छा अच्छा खासा यहां पर है चार हजार एक सौ चौहत्तर आर ओसी फोर्टी थ्री है जो कि काफी अच्छी है पी -E रेशो काफी यहां पर महंगा चल रहा है डेट की बात करें नौ परसेंट का ही डेट है यहाँ पर डेट भी ज्यादा नहीं है ये रिजल्ट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मर परफॉर्मेंस करती हुई है ये बट अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर जून के क्वार्टर में आपको पता ही है पैंडमिक उसके बाद अच्छा खासा परफॉर्म किया इस बार भी रिजल्ट थोड़े से ढीले ढाले रहे हैं तो यहां पर भी पैंडेमिक का असर रहा है तो यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा इसके अलावा तो साथ साथ की। की रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस में नौ करोड़ रुपए है एफ की होल्डिंग भी अच्छी खासी है डी की होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ये कंपनी दिखा रही है कि हां, इस कंपनी में अभी भी बहुत ज्यादा कैली बचा हुआ है बाकी अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी शेयर जब भी फिफ्टी डी एम के आसपास आता है तो भागता हुआ नजर आता है तो जब भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट आती है क्योंकि अभी के रिजल्ट थोड़े फीके आए हैं तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आ सकती है और यहाँ पर अगर गिरावट आती है ये शेयर आपको पैंतीस सौ के आसपास या छत्तीस सौ सैंतीस सौ के आसपास आते है यहाँ पर एकूमिलेट करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए दे अच्छी खासी है यहाँ पर किसी ने अच्छा खासा दवा के माल खरीदा है ये वॉल्यूम जो दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम अभी कुछ खास नहीं आ रही है तो ये भी आपको देखना होगा और यहाँ पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको तो देखना पड़ेगा कि टारगेट कैसे अचीव हो चुके हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आ, ये आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर एक कप बनाया कप बनाने के बाद हैंडल बनाया और यहाँ से सीधा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया है ये शेयर और इसके चार्ट पैटर्न के सॉरी एक मिनट एक मिनट दीजिए मुझे तो अगर हम इसके यहाँ पर देखते हैं इसके च, कितना टारगेट नज़र आ रहा है तो इसका टारगेट इसके हिसाब से

रिजर्व्स यहां पर नेगेटिव में है बोरिंग यहां पर अच्छी खासी है क्या फिक्स एसेट यहाँ पर है तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है क्योंकि प्रोमोटर्स अगर देखें तो प्रोमोटर्स की रिलायंस इंडस्ट्री तो यहाँ पर ये यह सब चीज़ आप देख सकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एफ ने इंक्रीज़ uh, करी है अपनी हिस्सेदारी बाकी आलोक इंडस्ट्री में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की तो सलाह नहीं रहेगी बट थोड़ा बहुत अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से या देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये शेयर ट्रेड कर सकता है तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टू हंड्रेड पे और आर भी अच्छी चल रही है और टारगेट की बात करो तो यहाँ पर इस तरीके का एक चार्ट पैटर्न कब विद हैंडल पैटर्न बनता है हुआ नजर आ रहा है तो ये शायद यहाँ पर 42 रुपए तक जा सकता है पैसा डबल कर सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं बाकी ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है तो इसकी तरफ भी आपको देखना होगा तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी देखिए यहाँ पर स्टॉक्स दे रखे हैं यहाँ पर अगर बात करें ट्राइडेंट है अच्छा खासा स्टॉक है गारे गड़बड़े टेक्निक इंडो काउंट रूपा इनका कॉम्प एज वेल एज पी डी एस मल्टी स्वान एनर्जी रेमंड अरविंद यहाँ पर अरविंद के तो अभी रिजल्ट भी आए तो डॉलर ये काफ़ी सारी कंपनीज है इन कंपनी की तरफ नजर बनाइए नार के रिजल्ट अच्छे खासे आए तो इन कंपनी की तरफ नजरें बना के रख सकते हैं और जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उन वो अगर आपको डिप्स पे मिल रहे हैं तो उनका स्टडी करके इसी तरीके से आप यहाँ पर पोजिशन बना सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिए वहाँ पर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस